मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर व डीआईजी राजेश डी मोदक राव द्वारा सदर तहसील के ब्लॉक पनियरा में ग्राम सभा रतनपुरवा का निरीक्षण किया गया। रतनपुरवा ग्राम में एक व्यक्ति दिल्ली से बीते 26 अप्रैल को घर आया था, जो पहले से ही बीमार था, जिसका प्रशासन को पता होने पर जांच कराया गया तो वह कोरोना पॉजिटिव मिला, जिसे मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में भर्ती कराया गया है, जिसका संबंधित अधिकारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में मंडलायुक्त ने निर्देश दिया कि गांव में रहने वाले निवासियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, इसके तहत अन्य सुविधाओं को सुनिश्चित किया जाए, संपर्क में आए व्यक्तियों की भी जाँच कराई जाए तथा गाँव को सील कर पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज किया जाए। निरीक्षण के दौरान डीआईजी राजेश डी मोदक राव, जिलाधिकारी महाराजगंज डॉक्टर उज्जवल कुमार, पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सहजनवा, मुख्य विकास अधिकारी पवन अग्रवाल, सीएमओ अशोक कुमार श्रीवास्तव, एसडीएम सदर आरबी सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। सर, जैसे लॉकडाउन हो गया होगा तो इसके भाई ने सोचा होगा कि सामान मैं लेके जा रहा हूँ, तुमको भी हम छोड़ देंगे। तो मास्क की तबीयत खराब थी, इसलिए क्या सामान लाए? मास्क का कंसाइनमेंट लेके आया था, मास्क ही उतारा गीडा में। उसके बाद सर उसी खाली ट्रक को लेके चला गया अभी आसाम, उसका भाई, और आसाम में सब्जी लेके आएगा, तो उसी आसाम फोन किया सर उसको, तो आसाम में वो जगह बता रहा था, वहाँ के डीसी और एसपी से बात सैनिटाइज करा देना है हमें, और एंट्री या एग्जिट इसलिए हम लोग वो करते हैं, साथ ही घर है सर, अगर चाहे तो इसको भी खोल सकते हैं, लेकिन इसको हम लोग एहतियात कर बंद रखेंगे। नहीं नहीं, बंद नहीं, बंद बंद रखेंगे। देखिए, 15 से कम क्लस्टर है, 15 से ज्यादा आउटब्रेक है सर। अब वो सीमा चली गई, तो 15 से कम मतलब एक भी है, बेसिकली आपको 3 किलोमीटर सीमा बंद करनी होगी, लेकिन जो 1 किलोमीटर वाले हैं उसमें तो एक एक घर में नॉक करके सैनिटाइज और कोई बात नहीं, वो घरों की संख्या करा के जॉइंट टीम बनाई है सर, सीएमओ साहब की और विकास की, एक सफाई कर्मी, एक आशा और एएनएम, मतलब एक जो है पार्टनर एजेंसी भी ले लेना। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडलायुक्त जयंत नार्लिकर ने बताया, और ये जो भी कंटेनमेंट की एक्सरसाइज की जानी है, आपने देखा कि की जा रही है, जिलाधिकारी और इसकी महोदय हैं और हम और डीआईजी साहब भी आए हैं इसको देखने के लिए, और इसको कंटेन करके हर घर को हम सैनिटाइज करेंगे, हर घर में स्वच्छता और स्वास्थ्य विभाग की टीम जाके सैनिटाइजिंग और स्वास्थ्य परीक्षण की कार्रवाई करेगी, आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई डोर स्टेप पर दी जाएगी, और भी यदि कोई चिकित्सीय सुविधाएं दी जानी है वो भी दी जाएगी। तो ये 2-3 चीजों के अलावा ये कम्प्लीटली सील होगा, कम्प्लीटली बंद होगा, और हम सारे लोगों का क्वारंटाइन कर चुके हैं, उनको उनकी सैंपल टेस्टिंग की जा रही है, जैसे कि और कोई पॉजिटिव व्यक्ति ना निकले, तो यही हमारे प्रयास रहेंगे और हम आशा करते हैं कि इसको हम यहीं पर काउंटिंग कर पाएंगे। गोरखपुर के सदर